जब से कोरोना महामारी आई हुई है, आपदा आई हुई है, तब से आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा की कुछ ज्यादा ही बात की जा रही है, डिजिटल शिक्षा की बात की जा रही है। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप लोग बताइए कि अगर आपको इसे सफल बनाना है, ऑनलाइन शिक्षा हर किसी को मिले, फिर चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी जाति का हो, कहीं का भी हो, उसका धर्म कुछ भी हो, तो आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले? आप सरकार हैं, आप क्या करेंगे सबसे पहले? आपको खुद बताना है, ठीक है? लास्ट में हम लोग बात करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण शिक्षा क्षेत्र इस समय गंभीर संकट का सामना कर रहा है। COVID-19 के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और संभवतः लगता है कि वे दिसंबर 2020 तक बंद रहेंगे, क्योंकि अभी आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। डेली आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा केस हमारे देश में आ रहे हैं, तो इसलिए स्कूल खोलना अभी अच्छी बात भी नहीं। यदि स्थितियां ज्यों की त्यों बनी रहती हैं तो शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्णय वर्ष 2021 तक भी विस्तारित हो सकता है। अभी ये नहीं कह सकते हैं कि 2021 में स्कूल खुल जाएंगे, 2021 में भी बंद होने की हो सकते हैं अगर वैक्सीन नहीं आई और इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो। इस स्थिति में शिक्षा को संचालित रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पर फोकस किया जा सकता है। और हालांकि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के संचालन में बहुत सी चुनौतियां सामने आ रही हैं, निश्चित रूप से वर्तमान स्थिति में इनमें जल्द से जल्द सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अभी आपने एमपी में देखा होगा कि ऑनलाइन शिक्षा की बात चली थी, तो उसमें देखा है कि 25 से 30% छात्री उपस्थित हो पाए हैं, यानी कि 25 से 30% छात्रों के पास ही मोबाइल या इस तरह की ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है। आप सोचिए कि 70% छात्रों के पास ऐसी सुविधा नहीं है उपलब्ध। आप जानते हैं किसी के पास फोन नहीं है, आप देखते हैं किसी के पास, आपके घर में अगर 3-4 बच्चे हैं तो आपके पास इतनी सुविधा नहीं है कि आप 3-4 फोन उन्हें ले सकें और डेली का उन्हें डाटा दे सकें। समझ रहे हैं आप लोग? एलिमेंट ऑफ सेफ डिजिटल एजुकेशन की बात करें हम लोग, तो इसमें देखेंगे डिजिटल सिटीजन आइडेंटिटी, फिर आप स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट, साइबर साइबर बुलिंग मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डिजिटल एम्पैथी, डिजिटल फुटप्रिंट मैनेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग और प्राइवेसी मैनेजमेंट, एक तरह से एलिमेंट आधार है डिजिटल शिक्षा के, ऑनलाइन शिक्षा के। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इस क्षेत्र में कि हम लोग डिजिटल के शिक्षा के लिए कुछ भी प्रावधान कर लें, लेकिन इसमें जो चुनौतियां हैं उसका क्या होगा? उचित अध्ययन स्थानों का अभाव। अगर हम लोग 2011 की जनगणना की बात करें तो इसमें देखेंगे 3 या उससे अधिक सदस्यों वाले 41% घरों में 2 कमरे या उससे भी कम, यानी कि 74% ग्रामीण और 64% शहरी क्षेत्रों में आवासीय स्थान है। ऐसी स्थिति में बच्चों को पढ़ने के लिए अलग से स्थान उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य साबित हो रहा है। कहने का मतलब है कि आप ठीक है, देखिए आपके घर में अगर 2, 4, 10 रूम है और एक बच्चे को एक रूम दे देते हैं तो अच्छी बात है। देखिए आप तो आप गरीब भी नहीं कह सकेंगे, और आपके पास इतनी, मतलब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपके लिए ऑनलाइन शिक्षा लेना आपके बच्चों के लिए कठिनाई है। नहीं, आप उनके बारे में सोचिए जो डेली का कमाते हैं, डेली का खाते हैं, और काफी परिवार, काफी स्थिति उनकी ठीक है, फिर भी उनके पास रूम इतना नहीं है कि हर बच्चे के लिए एक एक रूम उपलब्ध करा दे और एक एक फोन उपलब्ध करा दे। तो समझ रहे हैं आप लोग कि एक ही में आप लोग देखते हैं अक्सर एक ही 2 कमरे में पूरा परिवार रहता है, तो आप सोचिए कि बच्चे के लिए पढ़ने के लिए जब भी आप क्लास ले रहे हैं तो उनकी डिस्टर्ब होते हैं वो लोग। तो इस तरह की सुविधा हमारे पास या हमारे भारतीयों के पास, किसी ज्यादा अधिकतर लोगों के पास इस तरह की सुविधा नहीं है कि अपने बच्चों के लिए सेपरेट कोई रूम दे दें कि लिए पढ़िए। फिर आप देखेंगे इंटरनेट की अपर्याप्तता। कहने का मतलब है कि इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट, वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार केवल 42% शहरी और 15% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा मौजूद थी, और केवल 34% शहरी और 11% ग्रामीण व्यक्तियों ने पिछले 30 दिनों में इंटरनेट का उपयोग किया। अब इससे आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि वही 89% लोग इससे वंचित हैं। तो आप कहिए कि 100 बच्चे हैं जिनमें से 11 के पास इंटरनेट है, तो आप कहिए कि 89 बच्चे इससे छूट जाएंगे इस परीक्षा से, गांव की बात कर रहा हूं, ठीक है? और यही आप शहर में भी देख सकते हैं, 34% के करीब लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा की बात है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के संचालन में स्वाभाविक रूप से कम 2/3
बच्चे ऑनलाइन शिक्षा प्रक्रिया के दायरे से बाहर हो जाएंगे। अगर ऑनलाइन शिक्षा आप उपलब्ध कराते हैं तो 2/3 छात्र इससे वंचित रह जाएंगे, कहने का मतलब है। हमेशा की तरह इस प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभावित हाशिए पर मौजूद ग्रामीण और गरीब आबादी ही होगी। एक तरह से आप लोग इसे सक्षम बना सकते हैं, पता है? आप कहेंगे खर्च आएगा सरकार के पास इतना, सरकार आराम से कर सकती है। और याद रखिए, सरकार के पास अगर इस तरह की सुविधा हो जाए तो अपना ही देश को तरक्की मिलेगी। एक कोई भी हम लोग अपनी अपने यहाँ भारत में इस तरह के फोन या टैबलेट बनवाए कि सस्ते रहें, 1500 से 1000 या 2000 रुपये तक रहे, और इस तरह की कीमत रखी जाए, या हो सकता है सब्सिडी दे दी जाए इस तरह की, और सभी के पास मोबाइल। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल भी है, तो आप समझ रहे हैं, इस तरह से हो सकता है। सरकार चाहे, अभी आप देख रहे हैं कि सोनू सूद इतने लोगों की मदद कर सकता है, अभी कई आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल भी प्रोवाइड करवाया उसने, कई नेता उसका विरोध भी कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो देखिए, सरकार कुछ भी कर सकती है, और आपके विधायक हों या आपके जो भी हों, ये लोग भी मदद कर सकते हैं। जिन लोगों की एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन हमारे देश में इस तरह की मदद की आशा आप लोग नेताओं से तो दूर दूर तक मत करिए, मुझे यही दिखाई देता है। फिर है आपका इंटरनेट की धीमी गति। जब ऑनलाइन शिक्षा की बात आती है तो इसका अर्थ है इस बात से होता है कि शिक्षकों के साथ सीधे वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद स्थापित किया जाए या फिर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से व्याख्यान दिए जाए, दोनों कार्यों के लिए एक स्थिर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। अभी भी आप कई क्षेत्रों में देखते हैं कि 3GB में भी वीडियो नहीं चलता है। अगर अच्छे से आप लोग कोई गूगल पर साइट खोज रहे हैं या कोई भी आप सर्च कर रहे हैं तो वो भी नहीं चलता है। तो आप, इंटरनेट की भी धीमी गति एक समस्या बनी हुई है। इंटरनेट की पर्याप्त गति के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा का उद्देश्य विफल हो जाएगा। इस दिशा में हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के छात्रों द्वारा किए जा रहे नियमित विरोध प्रदर्शन को देख सकते हैं। इसका कारण है कि उचित इंटरनेट कनेक्शन के अभाव में भी अध्ययन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अभी आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, समझ रहे हैं? एक तरह से दुनिया से कट चुके हैं वो लोग, तो ये भी प्रॉब्लम देखी जा रही है। और याद रखिए, कई लोग कहते हैं कि वो देखिए हकीकत कुछ और होती है। अगर आपसे यही मेंस में या फिर आपका कहीं स्टेट PCS के एग्जाम में लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो आप बड़ा बैलेंस, बड़ा सोच समझ के लिखेंगे, ठीक है? जो कुछ आंकड़े मैं हकीकत बताता हूं उन्हें मत डाला करिएगा उसे। इंटरनेट की धीमी गति आप यूज कर सकते हैं, ये जो हेडिंग है इसे यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो बड़ा बैलेंस बनाकर लिखना है आपको। आप जानते हैं कि हकीकत वहां जो सरकारी आंकड़े रहते हैं उसी को यूज करना है। धरती पर कुछ भी हकीकत हो उसे मत लिखा करिएगा, ठीक है? क्योंकि आपकी जो भी एग्जाम, आपका जो भी बोर्ड रहता है वो आपका सरकारी आंकड़ों को ही यूज करता है, ठीक है? किसी मानक नीति का ना होना। डिजिटल शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि शिक्षकों द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखने या व्याख्यान का माध्यम ऑनलाइन वीडियो हो। डिजिटल शिक्षा का तात्पर्य प्रौद्योगिकी, उपकरण, अंतर क्रियाशीलता अवधि, अध्ययन सामग्री और उपयुक्त प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कक्षा में शिक्षण को और अधिक संवादात्मक बनाना है। ऑनलाइन शिक्षा की दिशा में आ रही इतनी चुनौतियों का मूल कारण है कि वर्तमान में हमारे पास डिजिटल शिक्षा और अवसंरचनात्मक ढांचे, अध्ययन सामग्री, सहभागिता और कई भाषाओं में उपलब्ध एक उचित नीति का अभाव देखने को मिलता है। और शिक्षकों को देखिए आप लोग, कि सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखना नहीं आता है, ऐसे हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में शिक्षक देखने को मिलेंगे। वो आप सोचिए कि पेन, डिजिटल पेन चलाने में उन्हें कई दिन लगेंगे, कई दिन सीखने में लगेंगे, तो एक तरह से उन्हें प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता है, तब हम लोग सक्षम कर सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों की आप हालत जानते हैं, वहां स्कूलों की हालत देखते हैं आप लोग, ठीक है? सामाजिक सामंजस्य का अभाव। सार्वजनिक शिक्षण संस्थान भी सामाजिक समावेश और सापेक्ष समानता में एक अनुकरणीय भूमिका निभाते हैं। यह वह स्थान है जहां सभी लिंग, वर्ग, जाति और समुदाय के लोग बिना किसी दबाव या व्यवस्था के एक दूसरे के साथ मिलकर शिक्षण ग्रहण करते हैं। यह जीवन की वह महत्वपूर्ण सीख है जो ऑनलाइन शिक्षा द्वारा पूरी नहीं हो सकती है। कहने का मतलब, आप देखते हैं अभी स्कूल जाते हैं आप लोग, तो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सब लोग गरीब हो, अमीर हो, सब लोग एक जगह बैठते हैं। सरकारी स्कूलों या प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ, आप सोचिए ऑनलाइन अगर शिक्षा हो जाती है तो एक खाई सामाजिक सामंजस्य में अभाव देखा जाएगा, यानी कि एक खाई भी बढ़ेगी धर्मों को लेकर या समाज को लेकर। शिक्षक प्रशिक्षण की बात करूं, जिसकी बात बता रहा हूँ, स्कूलों में शिक्षक न केवल बच्चों
और सामाजिक विकास के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। स्कूलों में बच्चों के भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहार संबंधी विकास की देखभाल की जाती है, जो इस सामाजिक दूरी के कारण संभव नहीं हो पा रही है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं सीधा, कि आप देखते हैं कि सामने स्कूल में जाने का कोई अच्छा मतलब अलग बात होती है, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ये अलग बात होती है, समझ रहे हैं आप लोग। साथ ही सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यमों द्वारा बच्चों को शिक्षा देने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया है। और आप लोग सोचिए कि आप लोग कोचिंग क्यों लेते हैं, इसलिए तो लेते हैं कि आपको शिक्षक सामने दिखे, वरना आप तो इस तरह की ऑनलाइन क्लास ही ले लेंगे अगर आपको शिक्षक मजा ना आए उसमें तो ये भी फर्क रहता है। पालन पोषण का मुद्दा, एक अन्य चुनौती यह है कि लॉकडाउन की समाप्ति के बाद जब अभिभावक अपने कार्यों पर लौट जाएंगे तो हजारों बच्चों को स्कूल से बाहर रखना चिंता का विषय है। ऐसे में यह समस्या उत्पन्न होगी कि इन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, एक घर पर कैसे सीखेंगे। एक और आप लोग जोड़ सकते हैं, टेक्निक किसका, टेक्निक का अभाव, एक तरह से आप सोचिए कि तकनीक का अभाव भी इसमें आप लोग एक चुनौती जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि मोबाइल हर किसी के पास नहीं है, समझ रहे हैं। और यह भी तो आप देखिए कि कई गांव में आप देखते हैं कि एक परिवार में 4 से 5 बच्चे हैं, आपके पास इतनी सुविधा नहीं है कि 4 से 5 बच्चों को मोबाइल दीजिए, फिर आप 4 से 5 बच्चों के लिए इंटरनेट की सुविधा कीजिए। खाने के ये लाले पड़े हुए हैं लॉकडाउन के कारण, सबकी नौकरी पर असर पड़ा है, आय पर भी असर आप देख रहे हैं, असर देखा जा रहा है, तो ये भी एक समस्या डाल सकते हैं। आगे की राय की बात करें तो भारत नेट, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जिसे अब भारत नेटवर्क कहा जाता है, का उद्देश्य 40,000 करोड़ से अधिक की लागत के साथ देश के सभी 2,50,000 पंचायतों को आपस में जोड़ना, कब जोड़ा जाएगा इसका भी मालूम होना चाहिए आपको। भारत नेट के माध्यम से सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 100 MB/s ब्रॉडबैंड प्रदान करने की परिकल्पना करती है, ताकि ऑनलाइन सेवाओं को ग्रामीण भारत के सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। अभी आप लोग शहरों में भी तो देखते हैं इस तरह की सुविधा आपको देखने को नहीं मिलती है फ्री में, आप किसी भी बड़े शहर में जाकर देख लीजिए, इंटरनेट आपको फ्री में नहीं मिल रहा है, आपको डलवाना पड़ता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों की हालत आप खुद समझ सकते हैं। इसमें ई गवर्नेंस, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ई स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं आपकी। अगर ऐसे ये परियोजना सफल रहती है तो हमारा एक तरह से कहिए बहुत बड़ी बात है। इस नेटवर्क को स्थापित करने का कार्य पूरा हो जाने के बाद यह अवसंरचना न केवल एक राष्ट्रीय संपत्ति बन जाएगी, बल्कि गैर भेदभावपूर्ण पहुंच सेवा वितरण के माध्यम से या नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास की दिशा में एक गेम चेंजर भी साबित होगी। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, यह एक अखिल भारतीय मल्टी गीगाबिट नेटवर्क है जो भारत में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देती है, अगली पीढ़ी के एप्लीकेशन और सेवाओं के निर्माण में सहायता देता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इसे लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है, वर्तमान में इसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ही क्रियान्वित किया जा रहा है। परमाणु अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान में अग्रणी मिशन उन्मुख एजेंसियां भी NKN का हिस्सा है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की विचारधारा के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान के प्रसार और निर्माण में लगी संस्थाओं जैसे अनुसंधान प्रयोगशालाएं, विश्वविद्यालय, प्रोफेशनल संस्थान, उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों की क्षमता का उपयोग करने के लिए एक उच्च गति ब्रॉडबैंड नेटवर्क के माध्यम से इन सभी को कनेक्ट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का उद्देश्य ज्ञान बांटने और सहयोगात्मक अनुसंधान की सुविधा के लिए एक उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क के साथ उच्च शिक्षा शोध के सभी संस्थानों को आपस में जोड़ना है। यह विभिन्न शैक्षणिक नेटवर्कों जैसे TEIN4, गरुण, सरण, इंटरनेट 2 के शोधकर्ताओं के बीच सहयोग को सक्षम करता है। यह दूरस्थ उन्नत अनुसंधान सुविधाओं तक पहुंच और वैज्ञानिक डेटाबेस को साझा करने की योजना को संभव बनाता है। NKN का तेजी से विस्तार किया जा रहा है और जो एक सकारात्मक कदम है। हालांकि इसे डिजिटल इंडिया पहल का एक मुख्य घटक बनाने और आर्थिक पैरामिड के सबसे नीचे स्तर पर ई सेवाएं प्रदान करने के लिए इसका लाभ उठाने की तत्काल आवश्यकता पर विशेष ध्यान जा रहा है। वित्तीय सहायता में वृद्धि करना, सरकार को स्कूलों में तकनीकी शिक्षा के लिए बजट में अधिक धन आवंटित करने के बारे में बहुत गंभीरता के साथ सोचना होगा।
कुछ दिनों पहले लॉन्च की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा बजट को जीडीपी के 6% तक बढ़ाने की एक सराहनीय कार्य है। ये याद रखिए, इससे पहले कोठारी आयोग आया हुआ था, उसमें आपने देखा है 6% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसे 6% कभी खर्च नहीं किया गया, अभी तक की बात कर रहा हूँ। आप देखते हैं, आजादी के बाद से ही हम लोग एक नारा देते आ रहे हैं, गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक नहीं हटी। तो आप, मैंने कहा ना कि जमीन पर कुछ और हकीकत होती है। आपने अटल बिहारी और राजीव गांधी का ये वक्तव्य तो सुना होगा कि मैं 1 रुपया ऊपर से बेचता हूँ, 12 पैसे नीचे पहुंचते हैं, बाकी का गप हो जाता है, यानी कि कोई खा जाता है। तो आप सोचिए कि गरीबी पहले हमें लोग, अभी प्राइवेटेशन की बात की जा रही है, आप लोग, ये प्राइवेटेशन अच्छी बात है। और प्राइवेट का होने का मतलब आप समझते हैं कि सरकारी बस में आप लोग सफर करते हैं, एक प्राइवेट बस होती है, तो सरकारी बस सरल मतलब सस्ती होता है उसका किराया, और प्राइवेट बस का किराया महंगा होता है, लेकिन सुविधा आप देखेंगे प्राइवेट बस में बेहतर रहती है। तो सबके पास ऐसी नहीं है सुविधा कि सब कोई प्राइवेट बसों का उपयोग कर सके। खाने के लिए पैसा नहीं है, वो सरकारी आप सोचिए कहाँ महंगा कर पाएंगे, तो ये भी देखा जा रहा है। तो हमें पहले उन्हें उस स्थिति में पहुंचाना होगा कि जहां वो इस तरह की सुविधाओं को ले सके। बाकी देशों का आप देखिए, अमेरिका या फिर चीन या बाकी किसी भी देश का, वो काफी स्थिति में अच्छी में पहुंच चुके हैं। हमारे यहाँ भी आप देखते हैं कि आधे से अधिक जनसंख्या देखते हैं कृषि पर निर्भर, किसी की हालत आप देख रहे हैं, आए दिन आप सुनते रहते हैं कि आज सुसाइड किया है किसान ने, आज वहां सुसाइड कर लिया है। तो इस स्थिति को सुधारना होगा पहले में, ठीक है। और ये तो आने वाले दिनों में मालूम चलेगा कि 6% जीडीपी का खर्च हो रहा है या नहीं, या फिर भी कागजों में लिखा रह गया। अभिभावक और शिक्षकों का प्रशिक्षण, अधिकांश शिक्षक और अभिभावक तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है। उनमें से कई तो ऐसे हैं जिनके पास तकनीक के बारे में बुनियादी ज्ञान का भी अभाव। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन्हें इस विषय में प्रारंभिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे अपने बच्चों को भी शिक्षित कर सकें। और आप खुद सोच के देखिए, 6 से 7 घंटे क्लास चलेगी कम से कम, ठीक है। तो आप स्कूल में जाने का कई एंगल उसमें देखे जाते हैं, और बच्चों को कई तरह से पढ़ाया जाता है, लेकिन ऑनलाइन का मतलब आप सोचिए कि बहुत बुरी बात हो, एक तरह से हमने सक्सेस हो जाएगा, कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव भी देखा जाएगा, एक क्लियर बात है। बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी देखने को मिलेगा। इंटरनेट तक पहुंच में वृद्धि, लेकिन हाँ, करवा देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की आपदा आने वाले दिनों में देखने को मिलती है, तो बच्चे कुछ समय तक सीख सकें कुछ। इंटरनेट तक पहुंच में वृद्धि करना, कोरोना महामारी में हमें नए और रचनात्मक तरीकों में बदलाव के साथ समायोजन स्थापित करने के विषय में बहुत कुछ सिखाया, लेकिन इस मार्ग में अपेक्षित और कमजोर वर्गों के साथ नेट लेकर चलना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि तकनीकी और विज्ञान को जीवन जीवन के नए आयामों में समाहित करना है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के में रचनात्मक और तकनीकी पक्ष को शामिल करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से कम आय वाले समूहों से आने वाले सामान्य एवं निःशक्त छात्रों की उपस्थिति के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा शिक्षकों का डिजिटलीकरण करने के साथ साथ बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के ऐसे प्लेटफॉर्म और अध्ययन सामग्री को निःशुल्क उपलब्ध कराने पर बल देना चाहिए। उन्हें स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि वे ऑनलाइन शिक्षा के दौर में मात्र आवश्यक बुनियादी ढांचे के अभाव के चलते पीछे ना रह जाए। आप समझ रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम शिक्षा में, डिजिटल शिक्षा में यही देखने को मिलेगा आप लोगों को, स्मार्टफोन या लैपटॉप अगर ये सरकार उपलब्ध करा देती है तो काफी हद तक इसे सफल बनाया जा सकता है। लास्ट में हम लोग कह सकते हैं कि डिजिटल शिक्षा सभी संवर्गों के लिए शिक्षा का एक आनंददायक साधन है, विशेष रूप से बच्चों के सीखने के लिए यह बहुत प्रभावी माध्यम साबित हो रहा है, क्योंकि मौलिक ऑडियो वीडियो सुविधा बच्चे के मस्तिष्क में संज्ञानात्मक तत्वों में वृद्धि करती है, बच्चों में जागरूकता, विषय की प्रति रोचकता, उत्साह और मनोरंजन की भावना बनी रहती है, वे सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से सीखते हैं। डिजिटल लर्निंग में शामिल इन्फोटेनमेंट संयोजन इसे हमारे जीवन एवं परिवेश के लिए और अधिक व्यवहारिक और स्वीकार बनाता है। डिजिटल लर्निंग को छात्र एक लचीले विकल्प के रूप में देखते हैं, जो उन्हें अपने समय और गति के अनुसार अध्ययन करने की अनुमति भी देता है। शिक्षकों को भी तकनीकी के सहयोग से अपनी अध्यापन योजना को बेहतर बनाने की में सुविधा होती है, साथ ही नवाचार और नए विचारों के समन्वय समावेशन में से वे छात्रों को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित भी कर पाते हैं। शिक्षण में तकनीकी के प्रवेश से यह एनिमेशन, गेमिफिकेशन और विस्तृत ऑडियो विजुअल प्रभावों के मिश्रण के साथ और अधिक प्रभावी
प्रभावी एवं तेजी से ग्रहण करने योग्य हो जाता है। इसलिए शिक्षण और अधिगम के ऑनलाइन उपाय निश्चित तौर पर प्रशंसा के बात हैं, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब उन्हें उचित माध्यम से स्थापित किया जाए और स्पष्ट रूप से इन उपायों को फेस टू फेस शिक्षा की पद्धतियों के पूरक समर्थन और प्रवर्धन के रूप में स्वीकार बनाए जाने पर बल देना चाहिए। निश्चित रूप से इस संदर्भ में शिक्षक कक्षा आधारित शिक्षण से डिजिटल शिक्षा तक के सफर में समय के साथ बहुआयामी प्रयासों को सलिंगत किए जाने की आवश्यकता है। और एक बात और आप ध्यान दे सकते हैं क्या, कि इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि आप सोचिए जून से ही आपकी स्कूल खुल जाती है, समझ रहे हैं, अच्छे से पेपर हो जाते हैं। अगर इस तरह की सुविधा हम लोग पहले ही उपलब्ध करा देते तो आप देख रहे हैं कि आपदाओं का समय है, और इस तरह की आपदाएं मुझे लगता है कि समय समय पर देखी जाएंगी। तो हमें जागरूक होना चाहिए कि छात्रों पर असर कोई ना पड़े, उनके पेपर हो या उनके करियर पर कोई असर देखने को ना मिले। तो इसमें सरकार को भी आगे आना होगा और बहुत अच्छे से आना होगा, तभी इसे सक्षम बनाया जा सकता है, सफल बनाया जा सकता है। ठीक है।